हेलो एंड वेलकम टू इंडियन कार गुरुजी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू अपडेटेड स्कॉर्पियो 2019 S11 वेरिएंट का 4WD यानी कि फोर व्हील ड्राइव का रिव्यू ऑन रोड प्राइस एंड ऑल फीचर्स के साथ। इस अपडेटेड स्कॉर्पियो में कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं और ड्राइवेबिलिटी एंड माइक्रो हाइब्रिड को भी इम्प्रूव किया गया है, और ये है इस मस्कुलर SUV की फ्रंट लुक। यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स अवेलेबल हैं विद LED DRL आईब्रोज और कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन भी दिया गया है। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल का फीचर भी मिलता है, और ये है बहुत ही बोल्ड फ्रंट ग्रिल। बोनेट स्कूप दिया गया है टू मेंटेन एयर सर्कुलेशन। यहाँ पर फॉग लैम्प दिए गए हैं विद क्रोम फिनिश। फ्रंट एंड रियर में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स भी अवेलेबल हैं। स्कॉर्पियो मार्केट में कम्पीट करती है टाटा हेक्सा के साथ, एंड इसकी पर मंथ सेल है 3000 से 5000 यूनिट। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में कैलिबर टाइप वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं एंड रियर में ड्रम टाइप ब्रेक्स दिए गए हैं। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, प्लस इसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। S11 का कर्व वेट 1810 किलो का है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर की दी गई है और बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस 210 mm की मिलती है। 5.65 मीटर्स का इसका टर्निंग रेडियस है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। कुशन सस्पेंशन एंड एंटी रोल टेक्नोलॉजी यूज की गई है। फ्रंट में डबल विश बोन टाइप इंडिपेंडेंट फ्रंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है, एंड रियर में मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन विद एंटी रोल बार सस्पेंशन मिलता है, प्लस हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार 17 इंच के अलॉयज मिलते हैं। 235/65 प्रोफाइल टायर्स दिए गए हैं और ये बहुत ही स्टाइलिश है। बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन फ्रंट फेंडर दिया गया है, एंड फुल बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है जो कि गाड़ी को बहुत ही मस्कुलर लुक एंड टॉल स्टांस देती है। एंड ये है स्कॉर्पियो की बैजिंग, साथ में साइड स्टेप भी अवेलेबल है। ORVM दिए गए हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। रूफ पर एंटीना अवेलेबल है और साथ में बहुत ही बिग साइज की रूफ रेल्स भी अवेलेबल है। एंड स्कॉर्पियो में रियर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है इस SUV को। लिव यंग लिव फ्री ऐप जो कि महिंद्रा की ऐप है जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, आप जरूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल पर इस ऐप को। इस गाड़ी की डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर दी गई है, एंड इस मॉडल में माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और बॉश का लेटेस्ट जनरेशन ABS ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। और ये है स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल की रियर लुक। यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव LED टेल लैंप्स अवेलेबल हैं, साथ में S11 की बैजिंग, माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग, रियर में रिफ्रैक्टर्स भी दिए गए हैं और स्पेयर व्हील आपको अंडर बॉडी ही फिक्स मिलता है जो कि स्टील व्हील है, एलॉय व्हील नहीं दिया गया है। 4WD की बैजिंग। सिटिंग ऑप्शन के बारे में बात करें तो 3 सिटिंग ऑप्शंस इस मॉडल में दिए गए हैं, और फ्रेंड्स S11 मॉडल में कैप्टन सीट्स, 7 साइड फेसिंग सीट्स एंड 8 फ्रंट फेसिंग सीट्स का ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, और ये है टेल गेट की लुक। यहां पर 2 स्पीकर्स दिए गए हैं एंड टोटल बूट स्पेस दिया गया है 460 लीटर का, और ये है दोस्तों 7 साइड फेसिंग सीट्स। और अब इस लीवर को पुल करेंगे तो फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी। और अब दोस्तों सेकंड रो को डाउन कर दें और देखते हैं टोटल बूट स्पेस कितना स्कॉर्पियो देती है।
दोस्तों स्कॉर्पियो यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशियस बूट स्पेस ऑफर करती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मॉडल के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो वो है ABS, क्रैश प्रोटेक्शन क्रम्बल जोन, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, पैनिक ब्रेक इंडिकेशंस, इंजन इमोबिलाइजर, कोलैप्सेबल स्टीयरिंग कॉलम एंड साइड इंट्रूजन बीम्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैंप, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, रियर वॉशर एंड वाइपर, एरो ब्लेड रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रिमोट सेंटर लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर कैमरा विद डायनामिक असिस्ट, वॉइस असिस्ट सिस्टम, हाई स्पीड अलर्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। अब बात करते हैं दोस्तों इस मॉडल के इंजन पावर एंड माइलेज के बारे में, तो सबसे पहले बोनट को खोल लेते हैं। एंड यहां पर हाइड्रोलिक असिस्ट बोनट दिया गया है। S11 4WD इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो M-Hawk 4 सिलेंडर 2200cc का, यानी कि 2179cc का BS4 माइल्ड हाइब्रिड डीजल इंजन दिया गया है, जो जनरेट करता है 140 bhp की पावर 3750 rpm पे एंड 320 Nm का टॉर्क 1500 से 2800 rpm पर। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स में अवेलेबल है एंड माइलेज 16.5 ARI सर्टिफाइड कंपनी क्लेम करती है। स्कॉर्पियो में एक्सीलेंट कैबिन इंसुलेशन मिलती है एंड इंजन काफी रिफाइंड एंड पावरफुल है। तो अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, फिर मैं आपको बताऊंगा ऑन रोड प्राइस। स्कॉर्पियो में बहुत ही प्रीमियम ड्यूल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं एंड ये है इस मॉडल की कीज। दोनों ही फ्लिप कीज दी गई हैं, एक नॉर्मल की है एंड दूसरी रिमोट की है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर कीरिंग आपको इल्यूमिनेटेड दिया गया है। एंड यहां पर स्कॉर्पियो की क्रोम फिनिश में बैजिंग दी गई है। कैबिन में सिल्वर एंड ग्लॉसी ग्रे फिनिश दी गई है। एंड ये है फ्रंट डोर की लुक। यहां पर पडल लैम्प मिलेगा, साथ में स्पीकर और मैप पॉकेट अवेलेबल हैं, लेकिन बॉटल होल्डर स्पेस अवेलेबल नहीं है। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन के साथ मिलेगी। और यहां पर डोर में ब्लू फैब्रिक इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही लग्जूरियस लगते हैं। यहां पर बिग साइज का क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल है एंड स्टीयरिंग के राइट साइड कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये है डिफॉगर, फ्यूल लिड, हेडलाइट लेवलर एंड ORVM कंट्रोल्स। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, लेकिन फोल्डेबल नहीं दिए गए हैं। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट अवेलेबल है। जब आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे तो आपको बहुत ही कमांडिंग व्यू मिलेगा ऑफ ऑन द रोड, और ड्राइव करते समय आपको बोनट भी दिखता है, विच गिव्स प्रॉपर SUV फील। यहां पर ड्यूल टोन लेदर सीट अपॉल्स्टरी दी गई है और बीच कलर में रूफ अवेलेबल है एंड फ्रंट सीट्स बहुत ही बढ़िया कंफर्ट ऑफर करती हैं। फ्रंट में इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलता है, ड्राइवर के लिए अलग और पैसेंजर के लिए अलग। और यहीं पर आपको दो बॉटल होल्डर स्पेस दी गई है और 4WD का स्विच दिया गया है, जिसमें आपको मिलते हैं 3 ऑप्शंस, 2 हाई, 4 हाई एंड 4 लो। जो भी ड्राइव मोड आप चूज करेंगे वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होगा।
एंड ये लेदर फिनिश में गियर नॉब दी गई है एंड ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद स्टीयरिंग अडेप्टिव गाइडलाइंस एंड रियर पार्किंग का डिस्प्ले भी मिलता है। यहां पर मोबाइल होल्डर अवेलेबल है विद 12 वोल्ट इल्यूमिनेटेड पावर सॉकेट, ऑक्स एंड यूएसबी पोर्ट और ये माइक्रो हाइब्रिड का स्विच एंड ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया गया है। फुली ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है एंड ये है ग्लव बॉक्स पैसेंजर साइड सनशेड पर वैनिटी मिरर दिया गया है एक सनग्लास होल्डर भी अवेलेबल है और ड्राइवर साइड सनशेड पर वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है और ये है ऑटोमेटिक वाइपर का सेंसर एंड ये है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद टिल्ट एडजस्टमेंट। लेफ्ट साइड ऑडियो ब्लूटूथ कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड राइट साइड क्रूज एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये है हेडलैम्प कंट्रोल और ये है वाइपर कंट्रोल और वॉशर 3 वाइट स्प्रे करते हैं एंड इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। ये है बहुत ही स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक MID शो करता है ड्यूल ट्रिप मीटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड ये है स्कॉर्पियो का ऑल न्यू म्यूजिक सिस्टम विच इज वेरी रिस्पॉन्सिव। 6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो सपोर्ट करता है ब्लूटूथ को CD को DVD को USB को ऑक्स को रेडियो को एंड ऑल्सो सपोर्ट्स GPS नेविगेशन इन 10 इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि GPS नेविगेशन 10 हिंदुस्तान की भाषाओं में सपोर्ट करता है प्लस ड्राइविंग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है जैसे कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन डिस्टेंस टू MT सर्विस रिमाइंडर एटसेट्रा। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स के फीचर्स और ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पर बॉटल होल्डर स्पेस अवेलेबल है मोबाइल होल्डर स्पेस भी मिलता है एंड डोर पर फैब्रिक फिनिश दी गई है एंड ये है रियर सीट्स की लुक विद 2 एडजस्टेबल बिग साइज हेडरेस्ट एंड सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है विद लैम्प एंड 2 बॉटल होल्डर स्पेस भी दी गई है। रियर AC वेंट्स दिए गए हैं जो इंस्टेंटली रियर कैबिन एरिया को कूल कर देते हैं। सिर्फ पैसेंजर साइड सीट्स के पीछे बैक पॉकेट मिलती है। ग्रैब हैंडल पर कोट हुक्स अवेलेबल हैं और सेंटर में यहाँ पर 3 कैबिन लैम्प दिए गए हैं जिसमें से हम 2 कैबिन लैम्प को अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन एडजस्ट कर सकते हैं और यहां पर सारे ही हैंडल्स पर आपको कोट हुक्स मिलते हैं एंड ये है रियर सीट्स की लुक। यहां पर सेंटर में कैबिन लैंप अवेलेबल है और ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक फ्रॉम द रियर एंड ऑन रोड प्राइस S11 4WD का आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।